जानते थे, इसलिए कहा था कि पढ़ो और लड़ो। और आज आज का झारखंड मुक्ति मोर्चा कर क्या रहा है? ये झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिन नौजवानों के हाथ में किताब कलम होना चाहिए उनके हाथ में दारू का बोतल थमा रहा है। यही झारखंड मुक्ति मोर्चा का चरित्र है, यही झारखंड मुक्ति मोर्चा की सच्चाई है। यही चल रहा है हर जगह, जहां जाइए यही। उदीन में खोली खोला हुआ ढाबा लगा हुआ है, जैसे घर में उसकी माँ बाप कोई खाना बनाया नहीं, जैसे ये 15 दिन खाने के बाद अमृत की तरह उनका हो जाएगा। दिन भर वही खाना, तेल भरो, घूमो और शाम को दारू पियो और घर जाओ, यही ना चल रहा है? ये पीढ़ी को बर्बाद करने की तैयारी चल रही है। वो कह रहे हैं कि ये महिलाओं को, महिला इनके मीटिंग में क्यों है, क्यों जाती है महिला मीटिंग में? मैं बता रहा हूं कि महिला का जोर क्यों है सुदेश मातो आजसू पार्टी पर, क्योंकि हमने जीवन में अंतर का विषय दिया है। मैंने समूह तैयार करवाया, 5-5, 10-10 रुपया बनाकर हम लोगों ने गांव में कमेटी बनाया, समूह बना, वही आज काम कर रहा है। मुख्यमंत्री जी 50,000 आज रात को मांगेंगे तो आपका बैंक बंद मिलेगा। आपका बैंक 10 बजे खुलता है, 4 बजे बंद होता है। कोई गरीब अगर कोई आपातकाल के लिए हॉस्पिटल, पढ़ाई के लिए कोई चीज मांगेगा तो उनको नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने गांव में चलता फिरता बैंक बना दिया, जहां गांव के 2 बजे रात को भी 50,000 रुपया जरूरत पड़ेगा तो मेरी महिला दीदी निकाल के देंगी। ये अंतर है, ये अंतर पैदा किया है हमने, हमने परिचय बदला है। और ये बदले हुए परिचय को आगे लेके चलना ये हमारी जवाबदेही है। हमने महिलाओं के बीच में जब पंचायत चुनाव हुआ तो पंचायत चुनाव के समय मेरे पदाधिकारी कहे कि राष्ट्रीय स्तर पर 33% आरक्षण महिलाओं को देना चाहिए सर। मैंने बोला पुरुष प्रधान समाज में बराबर का हक सुदेश महतो देंगे, और मैंने ही पहली बार यह तय कराया कि महिला 50% रिजर्वेशन पंचायत में मिलेगा। तब जाके महिलाएं आज मुखिया, पंचायत से लेकर प्रमुख तक बनी है, और प्रमुख जी आ गए हैं। यशोदा जी का स्वागत करिए जोरदार। यशोदा देवी जिंदाबाद, सुषमा श्रोतो जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद। फर्क पैदा किया है। मैं आज डुमरी नवाडी मैं आप सभी से आग्रह करने के लिए आया हूँ, मैं और एक काम करने के लिए आया हूँ, और शायद ये मेरा गुस्ताखी हो सकता है। मैंने जनसाधारण के बीच में राजनीति को बनाए रखने का हिम्मत जुटाया है, क्योंकि आज के दिन में पंचायत लड़ना भी बड़ा कठिन है। मुखिया कोई लड़ने के लिए, वार्ड मेंबर लड़ने के लिए, जिला परिषद लड़ने के लिए तैयार होते हैं, एमपी एमएलए तैयार होते हैं, तो आज के दिन में पहला सवाल पूछा जाता है पैसा है कि नहीं, चुनाव लड़ने का सोच रहा है, पूछा जाता है कि नहीं? व्यक्ति के व्यवहार, काम, लोगों की इच्छा, वो प्राथमिकता नहीं है कि ये लोकप्रिय है, हम ये चाहते हैं कि जीत के आए, ये प्राथमिकता नहीं है। प्राथमिकता है कि इस व्यक्ति के पास पैसा है कि नहीं। मैंने राजनीति के यथार्थ को समाप्त न होने देने के लिए मैंने एक गुस्ताखी की है, गरीब घर की बेटी और गरीब घर की बहू को आपके बीच प्रत्याशी बनाया है। सुरेश मातो